नमस्कार, एक्सपोज इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। आज के दौर की राजनीति और आज के दौर के सियासी सियार, जी हां, बेहिचक मैं राजनेताओं को ही सियासी सियार की संज्ञा दे रहा हूं। हां, सभी नहीं तो कम भी नहीं। वो इसलिए कि हर पल सत्ता की सताती भूख में सियासी पार्टियों का स्तर क्या से क्या हो गया एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, मेरे साथ बने रहिएगा। अगले कुछ मिनटों में अगर आप समझना चाहेंगे, सोच को आजाद रखकर गहराई में उतरना चाहेंगे, तो मेरा दावा है कि बहुत कुछ आपके पल्ले पड़ता चला जाएगा। दरअसल घूमते फिरते दाएं बाएं होते हुए आज सियासत और सियासी पार्टियां कैसे सड़क छाप होती हुई सड़ांध मारने लगी हैं, सोचकर आप भी सहज तो मुश्किल ही रह पाएंगे। और यह सब किसी चिंतन या फिर मौज मस्ती में नहीं हुआ, बल्कि सब हुआ मुस्लिम परस्ती में। ना 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 ना, या बिल्कुल ना समझिएगा कि फिर से एंगल हिंदू मुसलमान वाला है। जी नहीं, मसला मुस्लिम का तो हरगिज नहीं, मसला तो सियासी जमातों का है जो मुस्लिम परस्ती और हिंदू मुखालफत में इतनी मशहूर रहीं कि माजरत के साथ मुस्लिम समाज को ही अपना माई बाप मानकर बैठ गए। कैसे समझते जाइएगा। वैसे तो हजारों हजार मिसालें हैं कि कैसे सेकुलर देश में कई मौकों पर मेजोरिटी का मुंह बंद कर दिया गया और कैसे मुसलमानों के रहनुमाओं को मनमानी करने देने के लिए मुख्तलिफ कानून बनाकर लगाम उनके हाथ में ही थमा दी गई। वक्फ बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दोनों मामले सुर्खियों में हैं। दोनों के जरिए हिंदुओं को किस हद तक हद में रहने की हिदायत दी गई, इसको गहराई से समझा जाए तो हीन भावना का शिकार भी हुआ जा सकता है। पर आज बात सुर्खियों में रह रहे मुद्दों की नहीं, ना ही बात वक्फ एक्ट 1995 की करेंगे और ना ही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करेंगे। कांग्रेस की इस कयामत की करामात पर फिर किसी दिन पूरी किताब ही खोलेंगे। जी हां, लेकिन आज जिक्र बिल्कुल मुख्तलिफ दो मामलों का। पहला करीब 2 साल पहले का हाथरस रेप कांड और दूसरा करीब हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले का लखीमपुर में दोहरा रेप और हत्याकांड मामला। दोनों मामले संगीन थे, दोनों मामलों में बच्चियों पर अपराध हुआ। जी हां, जघन्य अपराध हुआ, लेकिन फिर भी फर्क था। हाथरस मामले में मामले को मुकाम तक पहुंचाने और इंसाफ दिलाने का स्वांग रचते हुए सियासी पार्टियों ने जिस तरीके से सरपट दौड़ लगाई थी, उस दौड़ से पैदा हुआ पैरों का दर्द शायद आज तक नहीं गया। आप कहेंगे किसी की पीड़ा में पार्टी के नुमाइंदे पीड़ित तक पहुंचे तो उसमें हर्ज क्या है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर लखीमपुर में दोहरे रेप और हत्याकांड में विपक्षी पार्टियों के पांव की सूजन आज तक क्यों बनी हुई है? गौर किया कभी आपने? नहीं किया होगा। हाथरस में गैंगरेप हुआ था, बच्ची का कत्ल नहीं किया गया था। हां, यह बात भी सच है कि उसी कांड में चोट खाई और आहत हुई बच्ची आखिरकार कुछ दिनों बाद अपनी जिंदगी की जंग हार गई थी। लेकिन लखीमपुर में तो सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया और उसके बाद कत्ल कर दोनों बच्चियों को पेड़ की टहनियों पर बकायदा टांग भी दिया गया। तो फिर ऐसा क्या था? ना ही राहुल, ना ही प्रियंका, अखिलेश बाबू भी बंगले से बाहर नहीं आए और मायावती बहन मायावती जी भी महलों से बाहर नहीं आ पाई। हाथरस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन लखीमपुर में दो दो बच्चियों से दूषित हरकत हुई, फिर कत्ल भी कर दिया गया, तो भी सियासी सियार वहां झांकने तक नहीं आए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताता हूं। दरअसल हाथरस कांड को कवर करने की कवायद में 3 दिन, जी हां पूरे 3 दिन मैंने भी वहीं गुजारे थे। चारों ओर मीडिया का मजमा लगा हुआ था और पॉलिटिकल टूरिज्म शबाब पर था।
सफेद पोश चमचमाते कुर्तों में पराडा और फॉर्च्यूनर गाड़ियों में राजनेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मरने मारने को तैयार थे। कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जिसका शीर्ष नेतृत्व हाथरस ना पहुंचा हो। और दिलचस्प बात तो यह भी कि पीड़ित परिवार की पीड़ा बांटने में किसी ने कुर्ता फड़वाया तो कोई पुलिसिया लटकाकर भी खेतों के रास्ते ही सही पीड़ित परिवार के घर तक का सफर जरूर तय कर गया। तो फिर दोनों मामलों में अलग क्या है, क्या कुछ मुख्तलिफ है? अच्छा, हाथरस में बच्ची दलित थी? नहीं नहीं, तो ऐसा भी नहीं ना, क्योंकि लखीमपुर में भी बदनसीब बच्चियां दलित ही तो थीं। तो फिर ऐसा क्या, हाथरस में हाथ भी आया, हाथी भी आया, साइकिल भी दंदनाती वहां पहुंच गई और लखीमपुर दोहरे रेप और हत्याकांड में विपक्षी पार्टी का कोई बड़ा परिंदा यहां पर तक मारने नहीं पहुंचा। विडंबना देखिए, दोनों लगभग एक जैसे मामले, एक का शोर दुनिया भर में सुनाई दिया और एक का शोर लखीमपुर जिले से बाहर तक नहीं आया। क्यों, अभी पता चल जाएगा। आप तो जानते ही होंगे, हाथरस कांड में कांग्रेस से राहुल और प्रियंका भी पहुंचे थे। राहुल तो बकायदा कई किलोमीटर पैदल चलकर और कहीं कहीं से तो खाकी को चकमा देकर हाथरस पहुंचे थे। समाजवादी भी बड़ी सरगर्मी से पीड़ित परिवार से मिलने की कोशिश में थे, मिलने पहुंचे भी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी समय रहते ही यहां हाजिरी लगा गए थे। उधर बाहर सड़क पर आरएलडी के जयन चौधरी भी धूल फांक रहे थे। मसलन कोई ऐसा शख्स, किसी पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नुमाइंदा नहीं था जो हाथरस ना पहुंचा हो। तो फिर लखीमपुर में जो मामला हुआ वहां क्या सबको लकवा मार गया? मामले में विपक्षी पार्टियां, हाथरस मामले में क्रांति का माहौल बनाकर रातों रात सत्ताधारियों को ऐसा लग रहा था मानो सत्ता से बेदखल कर देना चाहती हैं। और दूसरे मामले में यानी कि लखीमपुर मामले में लखनऊ में बैठी सरकार पर ढंग से लानत तक नहीं भेज पाए। दोहरा रवैया देखिए इनका। हाथरस मामले में विपक्ष को एसआईटी पर भी ट्रस्ट नहीं था, सीबीआई की जांच चाहिए थी और लखीमपुर में महज पुलिस जांच पर भी कोई नुक्तेबाजी नहीं। तो जनाब, वीडियो का टाइटल ही टटोल लीजिए, क्या वजह थी, इसकी टेंशन ही दूर हो जाएगी। मुस्लिम परस्ती, खुल के कह रहा हूं, मुस्लिम परस्ती। हाथरस का हल्ला जो हफ्ता नहीं महीनों तक चला वो पॉलिटिकल पार्टियों की पीड़ित परिवार के लिए पीड़ा कम थी, समझिएगा, पीड़ा कम थी, पॉलिटिकल माइलेज लेने की मशक्कत कहीं ज्यादा थी। हाथरस मामले में कांग्रेस के नेता कह रहे थे बलात्कारियों का सर काट कर लाओ इनाम देंगे। यकीनन ऐसे बेहुदा ऐलान किसी मामले में हरगिज नहीं होने चाहिए, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा ना, कांग्रेस के नेता का हाथरस कांड के बाद ऐसा ऐलान, तो लखीमपुर में हुए दलित बच्चियों के जिस्म से खेल के बाद जान लेकर जिस्म को लटका देने पर ऐसा ऐलान क्यों नहीं किया गया? मुस्लिम परस्ती। हाथरस कांड में माहौल ऐसा बनाने की कोशिश हुई मानो प्रदेश में अपराध के अलावा अन्न का दाना तक नहीं होता। तो लखीमपुर में ऐसा क्या था कि दलित बच्चियों पर गुजरी कयामत पर ना कांग्रेस ने कुर्ता फड़वाया, ना समाजवादियों ने वैसा शोर मचाया, ना मायावती ने वैसी मुस्तैदी दिखाई और आरएलडी कहीं नजर ही नहीं आई। और तो और,
खुद को दलितों का नया दाता बताने वाले रावण, उन्होंने तो भीम और मीम की यारी ऐसी निभाई कि उन्हें लखीमपुर की बेटियों की अस्मत लूटी लाशें तक नजर नहीं। वाह 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 वाह, वजह क्या? मुस्लिम परस्ती। दरअसल हाथरस कांड के दौरान उपचुनाव चौखट पर था और पूरे सूबे के चुनाव ही चंद महीनों बाद आने ही वाले थे। हिंदू समाज बटता है तो सियासत सधती है, और अब ना चुनाव है और ना ही आरोपी दरअसल हिंदू है, सभी आरोपी इस मामले में मुस्लिम हैं। तो मूल्यवान मतों की बेवजह मुखालफत क्यों की जाए? यकीनन मुजरिम का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन सियासी महानुभाव तो एक एक मूव सियासी नजर से ही मापते हैं। तभी तो जब लखीमपुर कांड के सभी नामुराद लड़के मुस्लिम निकले तो विपक्षी महानुभावों का मुंह मुश्किल से ही खुला। शायद ज्यादा बोलते, ज्यादा माहौल बनाते हाथरस की तरह, तो मामला उल्टा भी पड़ सकता था। और जब ऐसा था तो किसको क्या पड़ी थी, काहे कोई भरी दोपहरी में पिघलती तारकोल में खुद की चप्पल पिघलाने पीड़ित परिवार तक पहुंचता, क्या पड़ी थी किसी? खुद सोचिए, ऐसा नहीं होता तो फिर हाथरस की तरह राहुल गांधी यहां भी दौड़ते भागते चकमा देकर क्या लखीमपुर नहीं पहुंचते? तो क्या किसी की जान महंगी और किसी की सस्ती थी? जी नहीं, ये मुस्लिम परस्ती थी, ये मुस्लिम परस्ती थी। अमेठी से वायनाड जाना भारत जोड़ो यात्रा में सबसे बड़ा पड़ाव केरल, यह भी मुस्लिम परस्ती ही है। आप आरएसएस पर सवाल उठाओ, कोई बात नहीं, खाकी की निक्कर सुलगाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मदरसों की मनमानी, वक्फ बोर्ड की बेईमानी और पीएफआई जैसी आतंक से लबरेज इकाई पर तो सवाल उठाओ, नहीं उठा। क्योंकि किसी की जान महंगी है तो किसी की सस्ती है जनाब, ये मुस्लिम परस्ती है। अब बात समाजवादी पार्टी की ही ले लीजिए। हाथरस कांड के बाद जहां समाजवादी विरोध प्रदर्शनों का दौर भी अरसे तक रहा, वहीं लखीमपुर में बाबू अखिलेश महज एक दो नॉन सीरियस से ट्वीट के साथ पूरे मामले की मानो फाइल ही क्लोज कर गए। पिताजी से प्रेरणा तो लेते ही होंगे, लड़कों से गलतियां तो हो ही जाती हैं, याद ही होगा आपको पिताजी कहा करते थे, अरे में फांसी दी जाएगी, तीन लड़के हैं गलती हो जाती है तो तीन को भी फांसी दे दी बंबई में, अब सोचिए आप। लेकिन समाजवादी तो यहां लड़कों में भी फर्क कर गए, यहां भी तो बच्चियां दलित ही थीं, दर्द भी वैसा ही तो था, तो फिर फर्क कैसा? और क्यों? क्योंकि यहां पर सारे आरोपी मुस्लिम थे। साफ है, हाथरस के मुकाबले लखीमपुर में संवेदना तभी तो सस्ती रही क्योंकि फिर से यहां मुस्लिम परस्ती रही। नहीं तो अखिलेश तो सालों से सरकार में है नहीं, कोई खास काम धंधा भी इन दिनों नहीं होगा, तो क्या शीर्ष स्तर के समाजवादियों की जो हाथरस पहुंची थी कार, वह लखीमपुर पहुंचने से पहले क्या पड़ गई बीमार? ऐसा तो हुआ नहीं होगा। हां, बहन मायावती के तो कहने ही क्या हैं, मकान नसीब नहीं था, दलितों के प्यार से महलों में जा पहुंची और दलितों को ही भूल गई। बहन जी भी बैलेंस करने के चक्कर में ना दलितों का दर्द ढंग से बांट पाई और ना मुस्लिमों का मर्म ही समझ पाई। मुसलमानों के लिए किया तो कुछ ज्यादा नहीं पर उम्मीदें पूरी लगाई। कुल मिलाकर इन मोहतरमा की भी कथनी थी महंगी और करनी थी सस्ती क्योंकि यहां भी थी मुस्लिम परस्ती। यकीन मानिए मुसलमानों का इसमें कोई खास किरदार नहीं, कसूर सारा इन सियासी जमातों का है। मुस्लिम समाज ने इन पार्टियों पर उतना दबाव नहीं बनाया जितना दबते दबते ये पार्टियां इनके कदमों में ही लेट गई, और इसमें मुस्लिम मोहब्बत जैसा कुछ भी नहीं, ये तो मुस्लिम मतों से मोहब्बत है जनाब, मुस्लिम मतों से मोहब्बत।
दरअसल 100 बात की एक बात यह है कि देश को चलना तो था संविधान का, अनुसरण करके, अनुसरण से, लेकिन सालों साल यह चला मुस्लिम तुष्टिकरण से। और अब यही सस्ती सियासत खुद बाबा राहुल और बाबू अखिलेश पर हंसती है क्योंकि ये मुस्लिम परस्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।